सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ मोमिन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज लास्ट डे है, मींस आज अब अर्बन, यानी कि आज होंगे बाल उतरेंगे और फिर काशी पढ़ना वगैरह सब होगा। तो स्टे ट्यून्ड और इन्जॉय कीजिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज इनके बाल उतारेंगे, फिर इनको स्नान होगा, मंगल स्नान, उसके बाद जनेऊ धारण कराना होगा और उसके बाद फिर ये लोग काशी पढ़ने जाएंगे। तो ये मैं और दीदी जो हैं थाली पकड़ने आ गए हैं। पहले दाएं तरफ से, फिर पीछे, फिर बाएं, फिर आगे, ठीक है? ऐसे कर दिया। मूछ नहीं बनेंगे, दाढ़ी भी बनेगी। हाँ, मुछने मुछने पकड़ रखा है, सही करो। बाबू बस हो गया बेबी।
मतलब फॉर्म पकड़ लो, पानी गिर जाएगा फॉर्म के अंदर। अभी देख लेना, अच्छा नीचे रख दे, टांग के नीचे रख दे, पानी गिरेगा उसमें, बंद हो जाएगा फॉर्म फिर। अच्छा छुपा दे, छुपा दे, बाज बाज। तो यहाँ पे माहिका ने और वेनिका ने थाली पकड़ी है और भवि के बाल उतार रहे हैं। तो भवि का सिर्फ बाल उतारने हैं और कर्ण भी धोना है, तो उसका उसको जनेऊ वगैरह भी नहीं करा रहे क्योंकि वो अभी छोटा है। तो इसीलिए जनेऊ के कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं जो करने पड़ते हैं, फिर उसके नियम नहीं कर पाते छोटे बच्चे, तो इसलिए उसको जनेऊ नहीं कर रहे, सिर्फ कर्ण भेद और ये बाल उतार रहे हैं। तो भवि यहाँ पे जो है अपने बाल उतरवा रहा है। बस बेबी हो गया, हो गया, हो गया, बस अभी फोन मिलेगा, दो फोन मिलेंगे, चॉकलेट भी मिलेगा, चॉकलेट। बस बस कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। माई ठीक से पकड़ो, पकड़ा है उसने, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, हाँ बच्चा है। सो यहाँ पे मंगल स्नान की तैयारी कर रहे हैं। तो भव्य और संजू दोनों का ही मंगल स्नान होगा क्योंकि अभी उनके बाल उतरे, तो वो परात उसी में पीतल की परात में नहलाते हैं, तो वो तैयारी हो गई है। अब अच्छा हो गया ना, चावल चमक गया ना, चावल 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 चावल। तो ये बहुत पेनफुल मोमेंट था भव्य के लिए, उसका कर्ण भेद कर रहे हैं, बहुत रोया था। इससे पहले ना हमने उसको चॉकलेट दे दी थी, पर लेकिन वो देखो उसके मुंह में चॉकलेट अभी भी है, वो खा भी नहीं पाया बेचारा, रोने लगा। तो ये उसका कर्ण भेद यहाँ पे हो गया है। और इसके बाद जो है संजू, इसका भव्य का काम तो हो गया, संजू काशी पढ़ने के लिए जाएगा, इसका जनेऊ पढ़ेगा संजू को भी, जनेऊ डलने के बाद वो काशी पढ़ने जाएगा। तो ऐसे रिचुअल है हमारे यहाँ कि पुराने ज़माने में काशी जाया करते थे पढ़ने के लिए, पर अब इतना दूर तो भेजते नहीं है। तो संजू छत में जाके सूर्य पूजा करेगा और फिर वहीं पर काशी वगैरह, मतलब एक तरह से वहीं भिक्षा वगैरह मांगेगा और फिर काशी पढ़ के फिर अब उसको वापस घर ले आएंगे। और इसी तरह से जो ये है पूजा जो भी है ग्रहचा और बर्बन जो है संपन्न हो जाएगा। यहाँ संजू का कर्ण भेद हो चुका है, उसके देखिए कानों वाली दोनों कानों में, और यहाँ भव्य को कर रहे हैं। पहले संजू को किया था कि उसको थोड़ा सा भव्य को कॉन्फिडेंस में ले लें, पर भव्य इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस में आया नहीं हमारी, तो बेचारा रो रहा है। देखो पैर भी छू दोनों के छो नहीं लो, अच्छा उनके दीदी लाइट चली गई। ओ गुरु यम मया रखा।
अभी हमने लेना है। वो दिया? पंडित जी तो आए नहीं? हाँ तो हम दे दे भी पंडित जी आएंगे। नहीं नहीं दो, उन्होंने बोला देने के लिए, वो तो नहीं है अभी जाके देंगे। अच्छा, मांगने भी तो पड़ता है पहले। हाँ तो मांगते हैं। मेरे को देना हाँ, सारे मैं भी काउंट करूँगी। हाँ सामने खड़े हो जाओ, तुम कैसे खाओ ना, पेन नोट कर लेना। एकदम मॉडर्न स्टाइल में ना अम्ब्रेला के साथ में भी चांद दी। गाड़ी अच्छी लग रही है, क्या सही पकड़ा। पंडित जी आपने गलत कर दिया, गली में मंगवाना चाहिए था उसको। गली में इधर अगर अड़ोस पड़ोस में मकान हो जाए तो सुनो, सब बोलते हैं क्या करने आ गए हमारे घर में। आप अंकल आएंगे? हाँ आ जाओ पापा, उधर से आ जाओ। पंडित जी गए, मैंने कहा सबसे नीचे गए, तब आए वो उठ गए। वो डर गया पंडित जी। फिर डॉक्टर फीस भी लगवा देगा। कान कान से कान कान नीचे कान कान एक फोटो भी आ जा भी जरा। हाँ हाथ क्यों लगा रहे हो तुम, उसका दर्द हो रहा उसमें। तो यहाँ पे सूर्य पूजा होगी और उसके बाद आच्छेद फरकेंगे और फिर उसके बाद हम इसको वापस से घर ले जाएंगे। ये बात तो नहीं है, तो दीवार इधर दीवार से है नहीं है। आई दियो मनीष को निकाल, मनीष निकाल दीवार से। बस हो गया, आई दो मजा रहे। हम इसको लेके आ रहे हैं मतलब। अच्छा जल्दी आप लेके जा रहे हो। पांच बार डालो इधर, हां ऐसे ऐसे डालो, दोनों हाथ करो, इसको दबाओ ना ऐसे। कितना तामझाम होता है ब्रह्मचारी के पास डालो। तो ये वापस संजू घर आ रहा है, मतलब इसको हम काशी से लेके आ गए हैं और यहाँ पे इसकी मम्मी आरती करेगी और शुभ आगमन करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो है जैसे और जगह पे चावल कलश दरवाजे से अंदर फेंकते हैं ना, वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ
चावल आटे की ना पूरी से बना के उसमें सिक्का रखते हैं और उसको छू के पाँव से छू के आगे बढ़ना होता है, तो वो एक तरह से शुभ आगमन होता है। ये मम्मी यहाँ पे इसकी आरती कर रहे कि बेटा काशी से पढ़ लिख के आ गया है, और इसकी चाचियाँ ताई भाभियाँ सब आरती कर रहे, खुश हो रहे कि ये ग्रेजुएट होके आया काशी से। तो इजीली अब इसका शुभ आगमन हो रहा है, तो आरती तो उतार दी मम्मी ने। अब ये देखिए भाभी जो चावल की सॉरी ये आटे की ये पूरी है ना ये लगा रही, इसमें सिक्का रखा हुआ एक कॉइन, तो इसको छू के आगे को निकलना है संजू ने। तो इसी के साथ ये ग्रहचाक बर्वन जो है संपन्न होता है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा कि हमारे कुमाऊं में किस तरह से जनेऊ संस्कार होता है। हर जगह मतलब जनेऊ संस्कार तो सभी हिंदू रिलीजन में होता ही है, सभी के यहाँ होता है, पर हर किसी का अपना अपना मतलब प्रक्रिया है, अपने अपना तरीका है करने का। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है। आई होप कुछ मैंने गलतियाँ ना करी हूँ बताने में, या फिर शूटिंग में मे भी कुछ छूट गया हो तो सॉरी फॉर देट। बट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा साथ साथ में, और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यही था मेरी फैमिली का मतलब मेरे मायके में एक छोटा सा इवेंट हुआ था ग्रहचाक का, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में है, तो पहले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो चैनल में देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।